नाउ वी टॉक अबाउट द पर्सनल कम्युनिकेशन। तो मास मीडिया तो हमने मास कम्युनिकेशन देख लिया, अब पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें। द वर्ड ओनली सेज पर्सनल, जहां हम वन टू वन या एक से दो व्यक्ति तक ही हम बात करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वी से ना एक्सक्यूज मी एंड देन वी से आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन पर्सन, मुझे आपसे पर्सनली कुछ बातें करनी है। तो सेम ओवर हियर ऑल्सो, कि जहां हम एक या दो व्यक्ति से ही कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, ज्यादा किसी से नहीं, क्योंकि हमें उतने लोगों के बीच में ही वो डिस्कशन रखना है, उस बात को पहुंचाना है। सो कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स एट अ पर्सनल लेवल, जैसे बोर्ड मीटिंग्स होती है, तो व्हाट इज दैट, नो डाउट 10-12 लोग होंगे शायद, बट वो पर्सनल होती है, सिर्फ बोर्ड डायरेक्टर्स को ही पता होता है और किसी को पता नहीं होता है। तो ये जो मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती है या हमारी वन टू वन मीटिंग, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस वन। व्हाई पर्सनल रहना चाहिए। अब इसमें जो जो हमें यूज करते हैं, तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है जो हैंडल करती है इसको, पार्सल्स है, पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन है, इसके द्वारा हमारे जो है हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड है, एनवलप्स है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, ईमेल है, ये हमारे सब पर्सनल होते हैं। तो अगर मैं ईमेल मिस्टर ए को कर रहा हूँ, तो वो ए को ही जाएगा, जेड को नहीं जाएगा, राइट? सो दे आर ऑलवेज पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल। टेलीफोन सर्विसेज लाइक एसटीडी आईएसडी प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, राइट? तो एसटीडी जो है विद इन द नेशन तक चलता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलर, देन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलर, ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये जो है टेलीफोन सर्विसेज है जो हमें दिया जाता है। तो आईएसडी हमारा इंटरनेशनल कॉल हो जाता है, एसटीडी हमारा नेशनल कॉल, और लोकल तो हम करते ही हैं। नाउ वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को हमारे देश का राइट बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? तो हमने सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन में लिया था, ट्रेड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट? और दे आर द लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो हमने देख लिया कैसे ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है देश के लिए, कम्युनिकेशन देख लिया, अब तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रेड। तो ट्रेड कैसे देश के लिए हेल्पफुल है, देश के डेवलपमेंट में काम करता है, और क्यों उसको हम फाइनली जो है देश की अगर प्रगति देखना है तो मापने का तरीका होता है वो है ट्रेड, कि कोई कंट्री कितना बिजनेस कर रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे पता चलता है उस देश की जीडीपी का, उसके ग्रोथ का। सो लेट्स सी। तो ट्रेड हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हम हजारों वर्षों से कर रहे हैं। एंड व्हेन वी गो बैक टू द हिस्ट्री, इवन इन अवर 10th स्टैंडर्ड 4th चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, देन द 5th चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों में ये ट्रेड के बारे में बताया गया है, राइट? आप जानते होंगे, और खासकर 4th चैप्टर में कि कैसे ट्रेड की शुरुआत हुई। तो व्हेन वी गो टू द टाइम व्हेन वी डिड नॉट हैड ऑल दिस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, द ट्रेड वाज कैरीड ऑन हॉर्स और कैमल, स्पेशली ऑन दिस, एंड ओनली लैंड रूट वाज देयर, देयर वाज नो वाटरवेज, नो एयरवेज, राइट? सो व्हेन वी गो टू दैट टाइम, people used to go from India or China to the Arabian countries or European countries, and they used to return after 6 months or even 1 year, depending on the business. So once they used to go and then they used to return, right? So they used to move in groups, say group of 30, 40 or 50 traders at a time, right? Along with the, say, 100, 200 camels and the bodyguards, or we can say the soldiers. Later on, waterways was discovered. So again, in the waterways, if you remember, along with the trade wind,
आपने ज्योग्राफी लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट में पढ़ा होगा कि ट्रेड विंड जो होती है तो दे हैव देयर मूवमेंट कि कभी वो वेस्ट टू ईस्ट बहती है और कभी ईस्ट टू वेस्ट बहती है। तो जब वो वेस्ट टू ईस्ट मीन्स दैट इज द सीजन जब हम वेस्ट एरिया में से ईस्टर्न एरिया में आ सकते हैं तो हमें ज़्यादा फ्यूल या एनर्जी की जरूरत नहीं होती। वाई द मूवमेंट ऑफ द एयर हेल्प द शिप टू सेल वेरी स्मूथली एंड फॉर अनदर 3 month और 6 month द मूवमेंट ऑफ द विंड मूव्स ट्रेड विंड जो है वो वाइसी वर्षा हो जाती है कि ईस्ट टू वेस्ट। सो दैट इज द टाइम वेन द ट्रेडर यूज टू मूव फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द वेस्टर्न पार्ट, इसीलिए उसको ट्रेड विंड भी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल ही ट्रेडर्स ने बहुत ही वाइजली किया तो उसका नाम पड़ गया ट्रेड विंड, यानी हवा के अनुसार ट्रेड करते थे। ताकि उस समय आपको पता है कि लोग नाव चलाते थे चप्पू से जो हम कहते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब उसमें जब एडवांटेज मिल जाता है नेचर का तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है। सो कोई भी कंट्री की अगर हम बात करें तो किसी भी रिसोर्स में 100% हर एक रिसोर्स में 100% नहीं है, हर एक चीज हर एक कंट्री के पास नहीं। जैसे इंडिया की ही बात हम कर लें तो कोल में आयरन में वी आर द वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पेट्रोलियम यूरेनियम हम उसमें लैक करते हैं। अब आज की डिमांड है कि अगर हम यूरेनियम का इस्तेमाल हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं करेंगे तो आगे आने वाला समय बहुत ही डिफिकल्ट होगा। कोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक दिन समाप्त हो जाएगा नियर बाय फ्यूचर में। पेट्रोलियम ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ गेटिंग फिनिश्ड। अब बचा क्या हमारे पास, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड यूरेनियम। बट यूरेनियम इतना पावरफुल है कि छोटे से यूरेनियम में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। सो मेनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड, नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया टू स्टार्ट डूइंग सो। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको याद होगा हमारे यहाँ परमाणु दीदी आई थी तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि कैसे यूरेनियम जो है वो आगे आने वाले फ्यूचर का जो है वो भविष्य, यानी भविष्य में सभी कंट्रीज यूरेनियम का इस्तेमाल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे, ना कि आर्म्स एंड एमिनेशन का। क्यों? आर्म्स एंड एमिनेशन आपने देख लिया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब गिराया, अभी भी उसका इफेक्ट देखने को। सो इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो नाउ ऑल द नेशंस दे बिलीव, उनके पास बम हो नो डाउट फॉर सेफ्टी पर यूज विल बी द लास्ट ऑप्शन, अदरवाइज दे आर यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। सो कोई भी कंट्री हर एक चीज में सेल्फ सफिशियंट नहीं, उनके पास हर एक चीज नहीं है, इसीलिए हर एक नेशन जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को या रशिया को क्या है, कोल आयरन हम सप्लाई करते हैं, बदले में उनसे हम न्यूक्लियर लेते हैं। या अरेबियन कंट्रीज हैं, ईरान इराक है तो उनको हम खाने पीने की चीजें देते हैं, बदले में वो हमें पेट्रोलियम देते हैं। तो उनके पास जमीन जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नहीं है तो दे नीड फूड, तो हम सप्लाई करते हैं वीट है राइस है जो भी उनके रिक्वायरमेंट है, बदले में हमारे यहाँ पेट्रोलियम कम है। तो दिस इज हाउ वी टेक लेन देन, राइट, आदान प्रदान, गिव एंड टेक। सो ऑल द नेशंस, दैट्स व्हाई दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। ट्रेड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सरप्लस विद दोज इन डेफिसिट। तो ये मैंने आपको बताया कि इंडिया के पास अगर सरप्लस राइस है, वीट है, अरेबियन कंट्रीज के पास नहीं है, राइट, तो उनको वो वीट राइस फूड ग्रेन्स देगा। अब हमारे यहाँ हम डेफिसिट है पेट्रोलियम में तो वो हमें पेट्रोलियम सप्लाई करेंगे, उसके बदले हम अनाज सप्लाई करेंगे। दिस इज हाउ दे हेल्प ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। देन ट्रेड से, फॉरेन ट्रेड से हमें इम्प्रूवमेंट होती है प्रोडक्शन की, कि नई नई टेक्नोलॉजी हमें मिलती है। जस्ट टेक द प्रेजेंट एग्जाम्पल ओनली, नो डाउट अवर इंडियन आर्मी थर्ड ग्रेटेस्ट पावर इन द डिफेंस, बट
जब हमने फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने हमें 5 रफल फाइटर प्लेन अभी हमें दे दिया, तो नाउ वी आर ऑन अ अपर हैंड अगेंस्ट चाइना। भले चाइना के पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 80 फाइटर प्लेन्स हैं, हमारे पास इतनी नहीं है। तब उनकी 80 फाइटर प्लेन्स भी अगर आएंगी एट अ टाइम अटैक करने के लिए, तो हमारा 5 राफेल्स उनको क्या है, डिफेंड कर सकता है। क्यों? उनके पास जो प्लेन्स है उसकी रेंज है कि 30 किलोमीटर्स पहले ही वो निशाने को रेंज में ले आती हैं, बट राफेल्स का जो है वो 300 किलोमीटर पहले ही उसको रेंज का पता चल जाता है। तो अगर वो आते हैं तो मिसाइल 300 किलोमीटर पहले से ही राफेल से छूट जाएगा और उनके फाइटर प्लेन फिनिश। तो ये है टेक्नोलॉजी का पावर। तो व्हेन वी हैव 5 राफेल प्लेन, हमारी इंडियन नेवी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, इंडियन एयरफोर्स स्ट्रांग, आर्मी स्ट्रांग, सो डिफेंस हमारा अब काफ़ी दमदार हो चुका है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे साथ 1960s में हुआ, अब उसका चांस ना के बरोबर है। वाई? We got the technology and all this because of the trade relation that we have with the France. Another example, if I talk about, is Israel. The good relation that we have with the Israel. So they are always there to help us in all the ways. Another example, Russia. So वो भी हमें बहुत सारे arms and ammunition supply कर रहे हैं. So the best thing we are getting from the best countries, all credit goes to trade. And this is what our Prime Minister have done in the previous 5 years. पूरे देश का वो जो है उन्होंने friendly relation बनाने का ही प्रयत्न किया, और ये उसी का नतीजा है कि आज इंडिया इतने अच्छी पोजिशन पे है, most of the world की countries के साथ बहुत अच्छे relation हैं। Help in foreign exchange, income and employment. Trade से हमें जो है इन सभी प्रकार का फायदा, तो फॉरेन एक्सचेंज जितना ज्यादा हमारा होगा उतना ही ज्यादा हमारे देश का डेवलपमेंट स्पीड से होगा, हमारे देश की इनकम अच्छी होगी और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ोगे या आपने ऑलरेडी जानते हो, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रोडक्शन अमेरिकन कंपनी ने जो है प्रोडक्शन, यूरोपियन कंट्री ने प्रोडक्शन, यूरोप की कंपनी है उसने प्रोडक्शन अपना चाइना में रखा है, असेंबलिंग अगेन ही अपनी कंट्री में की है, बट उसका कस्टमर सेंटर जो है वो इंडिया में है। तो क्यों ऐसा? सो चाइना जो है वो प्रोडक्शन और लेबर दोनों में चीपेस्ट है, तो प्रोडक्शन वहाँ है, फिर सभी स्पेयर पार्ट्स वापस जाते हैं उनकी कंट्री में, असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब मार्केट पूरे यूरोप में उनको मिल जाती है, आजू बाजू रशिया है, इधर फिर अमेरिका है, इधर एशियन कंट्री है, तो वहाँ से वाटरवेज के थ्रू भेज दिया जाता है। वाटरवेज अगेंस्ट द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया के इंजीनियर्स पीपल राइट सर्विस के लिए वेल नोन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन इंजीनियर्स सुपर्ब, इन ग्रेट डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटैलिटी, Indian people are too good, so most of the people in the hospitality area generally foreign company prefers Indian, so ye advantage hua. Then it provides with FDI. FDI means foreign direct investment, new technologies and services. In 1991 globalization, liberalization and privatization, in short we can say LPG. L means liberalization, P means privatization and G means globalization. ये तीनों पॉलिसी हमारे देश में शुरू हुई, ये तीनों के कारण आज हमारे देश में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, जिसे हम MNC कंपनी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। और जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उनके देश की बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, और नेशनल लेवल की मार्केट से अब हमें इंटरनेशनल मार्केट भी मिलेगा।
और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट हमारी देश में बढ़ेगा और हमारे देश के लोग इवन फॉरेन कंट्रीज में भी एम्प्लॉयमेंट पाएंगे और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सो वी कैन से इट्स या सो हमारे देश का ट्रेड कितना अच्छा है, किसी भी कंट्री का ट्रेड कितना एडवांस्ड है, कितने लेवल पे परसेंटेज पे हो रहा है, वो डिसाइड करेगा उस देश का डेवलपमेंट। अब किसी कंट्री का 30% है, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 90, तो वो डिसाइड करता है उस देश का डेवलपमेंट रेशियो, कितनी तेजी से वो डेवलप हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड इज नोन एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ नेशन। The changing nature of international trade of India in the last 15 years. तो हमने ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट है वो तो देख लिया। अब सीधा हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें कि पिछले 15-20 सालों में क्या बदलाव आया है हमारे ट्रेडिंग पैटर्न में, बढ़ा है, घटा है, स्टेबल रहा है, क्या हम लाते हैं, क्या हम भेजते हैं, इससे हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आप समझेंगे कि पिछले 15-20 सालों में किस प्रकार का ट्रेड रहा है। तो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड। तो पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो इससे हमारे एग्रीकल्चर को खासकर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हमारे यहाँ से बहुत सारा अनाज, फिर वो राइस हो, वीट हो, ऑयल सीड्स हो, ये सभी एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, जिससे हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ती है, एंड इनडायरेक्टली आई वुड से द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। इंडिया एज सॉफ्टवेयर जायंट एट इंटरनेशनल लेवल, ट्रेड के कारण आज हम जो है सॉफ्टवेयर एरिया में, खासकर अगर हम बात करें, अभी पिछला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन पीपल्स आर इन ग्रेट डिमांड, इवन फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल्ड लेबर्स, आई वुड से प्लम्बर, मैकेनिक, राइट, फिटर्स, राइट, देन फैब्रिकेशन, ऑल सच टाइप ऑफ स्किल्ड लेबर्स आर इन ग्रेट डिमांड इंडियन पीपल इन गल्फ कंट्रीज। व्हाई? ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर वेरी वेल अवेयर द क्वालिटी एंड द वर्क द इंडियन डज, कंपैरेटिवली नो अदर कंट्री कैन डू दैट, सो दैट्स व्हाई वी इंडियंस आर इन ग्रेट डिमांड। तो इंजीनियर्स मैंने आप कहा, आईटी सेक्टर का हब आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में के बेंगलुरु, राइट, इट इज द हब ऑफ आईटी सेक्टर, राइट, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया वी कैन से। सो इफ स्टूडेंट्स हु विश टू मेक देयर करियर इन आईटी, द बेंगलुरु इज द बेस्ट प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर the giant in this area, so our engineers, software engineers are in great demand all over the world, earn huge foreign exchange due to information communication and technology, that is ICT. So the programs, the hardwares, the software that our engineers are continuously making, because of that we are exporting them all over the world. So due to that, we are getting in return huge foreign exchange. Exchange of commodities and goods have been superseded
by exchange of ICD. So no doubt we were one of the leading producing in commodities and goods also, but now the ICT, it has crossed that also. So as the time is passing by, our performance is increasing more and more in the trade. So we were no doubt one of the leading exporter of commodities and goods, but now our ratio compared to this is more in ICT. The products that we are importing, Indian imports includes petroleum crude and its product, gems and jewelries, chemicals and related product. These are few things which we are little bit deficit in. So we are importing from the different part of the world. Now we move to the another trade, we can say, which is now slowly accelerating and booming the market. Even right now, I don't know, I may be wrong, at COVID time, people are still preferring tourism, right? So India is one of the great destination for tourism, for its rich and varied heritage and culture. The culture that India possesses, that makes India one of the hot spot for tourism. And as you know, the tourisms are of different time, right? Different types of tourisms are there. There are business tourism, medical tourism, adventure tourism. So all these you will see and find in India. That's why India is unity in diversity. The nation of different religion, language, culture, food, clothing, and so more. So let's explore India. Talking about India's tourism statistic, right? Age-wise, in the year 2019, okay, of which age, what percentage of people visited India, right? So here we can say the blue part, that is 0 to 14 age of people, right? Then 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64, 65 and above. And these are not reported. So here in the graph, you can see the percentage of people who are visiting India every year. So we start with the 0 to 14. percent. 15 to 24 we have 8.4%. 25 to 34 we have 18.6%. 35 to 44 years of age, we have 21%. 45 to 54 years of age, people who are visiting India, 19.8%. Then we have 55 to 64 years of age, 14.2%. And then 65 and above, we have 7%. Right? This is the report of tourism of the year 2019. So, a big round for India's tourism. And now even people are thinking very seriously to take tourism as their career. Right? With very less investment, huge profit. Right, so here we have the business tourism, why people have. So, Tihati, Rome, Venice, Fiji, Milan, Barcelona, Sydney,
पेरिस, हवाई, द डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन सी द ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट. सो दिस इज वॉट वी हैव द बिजनेस. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सिंगापुर, मलेशिया, राइट, स्पेशली सिंगापुर. एज पर माई नॉलेज दे डोंट हैव द इंडस्ट्रीज, बट स्टिल दे आर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग developing or developed country in the East Asia. Why? Because of this business tourism. Most of the part of the world's office, business office is in Singapore. Right? So it is not that we need to have the manufacturing industry, then only development is possible. Even without that, if you have a proper planning, you can be the leader. Further, we have cultural and heritage tourism. So we have the Kerala called as God's own country. So people prefer to explore Kerala and its culture. The food, yummy, right? The Punjab, right? The people known for the bravery, for their brave history. Very important place to visit in India. Then we have Gujarat. Kuch din to bitao Gujarat mein. Right? And the very important state, the heart of our country, the Madhya Pradesh. So these are few I have taken. Actually, the whole India is there to explore. Right? So one of the really very good and hot spot to explore our country. But we are crazy about the foreign countries. So please, please, please make your plans to explore your country. It is really a matter of same, we don't know about our own home and we boast about, I know everything about Dubai, about America, about London, kahan kahan. पहले अपने घर के बारे में तो अच्छी तरह जान लीजिए, अपने कल्चर, अपने इतिहास, हेरिटेज को जान लीजिए. व्हाई नॉट टू प्लान आउट नेक्स्ट ईयर, एवरीथिंग फाइन, एक्सप्लोर द सेवन सिस्टर्स, हाफ इन द समर, हाफ इन द विंटर, देन इट इज कॉल्ड रियल नेशनलिज्म. I forgot the name of the advertisement. Two children are playing in the park and one of the child says, ki is baar tu vacation mein kahan ja raha hai? So the child says, main to abroad ja raha hu, if I'm not wrong, maybe Bangkok or somewhere. And the second child replies, pichli baar bhi tu history mein fail hua tha, nahi? And that child is totally... What was the answer? इस बार पापा को बोल के इंडिया ले जाए, इंडियन हिस्ट्री जान, ताकि तू हिस्ट्री में पास हो जाए. एंड दैट इज द बेस्ट वे माई डियर टू स्कोर मार्क्स इन एसेस. एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एंड यू नो व्हेन यू एंजॉय, एवरीथिंग इज इन योर माइंड. सो इफ आई आस्क समथिंग अबाउट गुजरात, इफ यू हैव एक्सप्लोर गुजरात, यू आर नोइंग. If I ask about something, Rajasthan, you have visited many times, you know. I don't have to teach you the history of Rajasthan. Bas, mujhe chote-chote aapko hints de. Yes, sir, yaad hai hame. Why? You have experienced. You have visited. You have explored. So, let's take an oath. First, we will explore our country and then to any other country. नेक्स्ट, एडवेंचर टूरिज्म. आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ तूफानी करने की इच्छा होती ही रहती है, जैसे क्लास में करते हैं, राइट, के मौका मिला नहीं, रिसेस हुई नहीं, बाथरूम में दंगल शुरू हो जाता है, टीचर बाहर गया नहीं, एक आध दूसरे को कुछ ना कुछ दे दिया. तो अगर ऐसा कुछ करने के लिए तो काफी कुछ हमारे इंडिया में है वेयर यू कैन एक्सप्लोर. So here we have so many things. That's why let the adventure begin. Uttarakhand. So these are the various that we have. Rafting, paragliding, right, mountaineering.
right? All these so many you can explore. You don't have to go to the foreign countries. Moving to medical tourism, there are millions and millions of people who are coming to India for medical purpose for 3 months, 6 months, or even for the whole year. And maybe you might be aware, one of the cheapest medical facility of the best quality we get in India. So that's why the foreign people, they come to India. There are many diseases that doesn't need much medicine, but yoga. People, they come to here. The Vedic way of treatment, which they find in India. So they come for this. Now let's see how tourism is developing as a trade. क्यों हम टूरिज्म को आज एक ट्रेड के रूप में मानते हैं या उद्योग कहते हैं? सो फर्स्ट, टूरिज्म का अगर हम अर्थ समझ लें, द कल्चरल रिक्रिएशनल एंड कॉमर्शियल विजिट टू इंटरनल और से एक्सटर्नल प्लेसेस, अगर हमारे देश के अंदर ही हम कहें तो, अगर मैं गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा हूं तो दैट इज टूरिज्म, तो वो इंटरनल हो गया, बाहर जाऊं तो एक्सटर्नल हो गया. तो विजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल, दैट इज टूरिज्म, पर्यटन, घूमना. अब इससे क्या फायदा होता है? फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड. हमारे देश की जो महानता है, जो अलग अलग चीजें अभी मैंने आपको दिखाई, डिस्कस की, इसके कारण इंडिया एक हॉटस्पॉट है टूरिज्म का. एवरी ईयर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉरेनर्स आर विजिटिंग फॉर वन और द अदर टाइप ऑफ टूरिज्म इन इंडिया. या समवेयर वी नीड टू इम्प्रूव, जैसे आपने इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टीजमेंट आती थी अतुल्य भारत की, तो हम देखते थे कि कहाँ हमें इम्प्रूव करना है. जैसे हमारे लोगों को बहुत ही खराब आदत है, पान खाई और मंदिर या कुछ दीवार देखी पिचकारी मार दी, पर हम कहीं ना कहीं भूल रहे, ये हमारी धरोहर, हमारा हेरिटेज है. फॉरेनर्स आएंगे तो यही देख के धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. यू टेल मी व्हाई जम्मू कश्मीर, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है जबकि वहां तो ज्यादा कोई कंपनीज नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, तो क्यों इतना? सबसे बड़ा कारण है टूरिज्म. There were highlights in the newspaper, if you remember, जब आर्टिकल 370 हटाई गई थी और बहुत सारे जो हमारी अमरनाथ यात्रा थी, वैष्णो देवी की जो यात्रा थी, वो कैंसिल हो गई थी. तो अगर आपने वो हेडलाइंस देखी हो तो हमारे ही जो लोग वहां जाते हैं उन्हें जो टैक्स देना पड़ता है, सब कुछ करोड़ों के नुकसान हुए थे. तो उनका जो मेन ट्रेड ही है जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी जो डिपेंड करता है, वो है टूरिज्म. उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह जो हम कहते हैं, एप्पल्स है, कैशूनट है, राइट, केसर है, बट वो लिमिटेड है. मेन है टूरिज्म. अब अगर टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर से हटा दे तो वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट हो जाएगा. सो वन ऑफ द लीडिंग नाउ इन द मार्केट इज टूरिज्म. So we can think of making career in tourism. But again, for tourism, SS is very important. You need to have deep knowledge of the place. Very easy, but little work is needed. More than 15 million people are engaged in tourism. So you can just imagine kitna employment mil raha hai tourism mein khali. 15 million logo ko employment mil chuka hai ab tak. Boost local handicraft and business. Jab foreign log aate hain yahan pe. So let's take an example. Ya hum log hi jab jaate hain. Right? Gujarat ke hi log agar Patan jaye, Kutch jaye. Right? या जामनगर ही जाए तो पाटन का पटोला आप जाएंगे तो, बट ओवियस जब मार्केट में आप घूमने जाए लिए बिना आप नहीं रह सकते हो, तो यू विल
take that patola. When you go to Kutch Eyes, so वहां की जो एम्ब्रॉयडरी जो हमारी चनिया चोरी कहते हैं एकदम फाइन क्वालिटी ऑफ वर्क देखते ही आपके राइट स्पेशली लेडीज आई एम नॉट सेइंग ओनली लेडीज इवन जेंट्स उनका जो फाइन क्वालिटी ऑफ वर्क होता है आपका मन ललचा ही जाता है भले वो 5,000 का ही क्यों ना 10 यू फील टू बाय दैट और जब आप लाते हो तो आपके आड़ोसी पड़ोसी जो केटलू सरस मजानो हूं लई आई वॉच एंड दे विल ऑल्सो आस्क क्या थी लई आई वा कच्छ पाटन जामनगर वट एवर द प्लेस वी हैव ब्रॉट एडवर्टीजमेंट एंड देन दे ऑल्सो विल डिसाइड टू गो एंड दिस इज हाउ द लोकल मार्केट बिकम्स नेशनल एंड फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल टेक अनदर एग्जाम्पल द लिज्जत पापड़ दैट वी हैव इट वॉज अ स्मॉल बिजनेस हाउस टू हाउस चलता था निलोन्स अचार दैट वी हैव घर पे बनता था अब वो अचार आपने पड़ोसी से मांगा पड़ोसी को पसंद आया अगली बार आंटी मेरे लिए भी बना देना आंटी ने उसको उसके वहां पूरे गांव में से पूरे तालुका तालुका में से स्टेट और आज निलोन्स देखो वर्ल्ड लेवल पे बिक्री हो रहा है लिज्जत पापड़ वर्ल्ड लेवल पे बिक्री हो रहा है हमारी जलाराम चिकी आप देख लीजिए राजकोट की एब्रॉड भी जाती है एक लोकल चीज आज ब्रांड हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है क्यों टूरिज्म के कारण लोग आते हैं खाते हैं या यमी एंड देन दे टेक देयर राइट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड इंटीग्रिटी ये तो हमने ऑलरेडी ट्रेड में देखा ही कि अगर हम एक दूसरे के देश में गांव में शहर में आते जाते हैं तो हमारे बीच के जो रिलेशन है बहुत ही घनिष्ठ बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं तो एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं फिर हमारे ट्रेड बढ़ते हैं ट्रेड से रिलेशन और स्ट्रांग हो जाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देते हैं जैसे नेचुरल कैलामिटी है तो आज पूरा विश्व एक दूसरे की मदद में है राइट जब ये बुखार की जो हमारे इंडिया प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक जो हमारी मेडिसिन हमने अमेरिका को दी बाकी कंट्रीज को भी दी क्यों वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर हमारे अलावा जनरली और कोई बनाता नहीं है तो हमने दी कुछ दवाइयां हमें नहीं मिलती है तो वो अमेरिका ने हमें दिया फ्रांस ने दिया रशिया ने दी दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग ईच अदर ये होता है ट्रेड और ये टूरिज्म के कारण